कि आप देख सकते हैं एम एस सी टी एम बी एम एम एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के ऊपर यहाँ पे हम कुछ बात कर रहे हैं बहुत ही सिंपल बात है मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ामिनेशन कब होगा एंड कैसा होगा सो गाइज इस दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी आफ्टर मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ओके ये बट टेंटेटिव डेट्स हैं वी आर नॉट शो वैन द एग्जामिनेशन इज गो हैपन बट ये एग्जाम जो होगा वो मार्च दो हज़ार तेईस के बाद होगा इसके बाद होने के चांसेज हैं एम एम एस एंड एम ऑफ कॉलेजेस इन महाराष्ट्र नो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट अगर आप आउट ऑफ मुंबई है या महाराष्ट्र हैं तो आई वॉन्ट टू टेल यू एम एम एस एंड एम बी एग्जामिनेशन महाराष्ट्र कॉलेजेस के लिए सी ई टी एक्सेप्ट करता है अप्रैल एंड 2023 में मार्च में इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा एग्जाम नहीं अप्रैल एंड तक रजिस्ट्रेशन इसका एंड डेट होगा द रजिस्ट्रेशन एंड डेट इज गोइंग टू बी अराउंड अप्रैल एंड 2023 और मई के एग्जाम मई मंथ के बाद आपका सी टी का एग्जाम हो सकता है तो जो, जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट मार्च में होने की चांसेस है उम्मीद है अप्रैल एंड में लास्ट डेट रहेगी और मई में, में इसका एग्जाम हो सकता है आफ्टर मई

टाइप ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करता बिकॉज उसको ये समझ में नहीं आता कि किस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए किस टाइप का क्वेश्चन उसकी स्ट्रेंथ है किस टाइप का क्वेश्चन उसकी वीकनेस है किस टाइप के सेक्शन में वो ज्यादा स्कोर कर सकता है टाइम इन्वेस्टमेंट क्या उसका इंग्लिश बहुत वीक है या स्ट्रांग है क्या उसका लॉजिक स्ट्रांग है वीक है कॉन्ट उसका स्ट्रांग है वीक है सो गाइज वी नीड टू पे अटेंशन टू दैट एट आज कैम बी है वी विल मेक श्योर दैट बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस You should get a respectable score out of 200 questions in 150 minutes. Of course, strategies and way to get the best in examination wo to ho gai. Ga so, guys, you guys can get in touch with us or with me. I will share my contact details in the description box. And once again, these are tentative dates. They could be different. Thank you and stay blessed.